नमस्कार दोस्तों। और ये देखो आज हम ये देखो दोस्तों ये दिखाऊं ट्रैक्टर में तुम्हें, पंजाब में आ गया आज तुम्हें। और दोस्तों पंजाब में नहीं हूँ मैं, यहीं हूँ अपने ही खेतों पे। ये ट्रैक्टर रोटावेटर कितना तगड़ा है। ये है दोस्तों किसान कोल्ड स्टोर के मालिक, और ये मेरे ताऊजी की जमीन इन्होंने ले रखी है, उसमें खेती करते हैं और उसी में हूँ मैं। देखो रोटावेटर कितना तगड़ा है, कितने फुट को है, 1 2 3 ये तो होगा 9 10 फुट का है भैया मेरे। और ये ट्रैक्टर है 755 महिंद्रा, और मशीन भी दिखाऊंगा आपको, 7 लाख रुपए की मशीन है आलू बुवाई की। और ये हैं दोस्तों किसान कोल्ड स्टोर के मालिक, काफी खेती भी करते हैं सरदार जी इनका, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। देखो बेहतरीन जंप ले रहा है घोड़े की तरह, ये ऐसे क्यों कर रहा है ये? बड़ी ताकत है भाई इसमें तो। ये तो जरूरत ही क्यों सरदार जी, जरूरत ही नहीं है जुताई वैसे कराने की, पूरा घुस कम से कम 1 फुट गहराई लेके वैसे ही चल रहा है। ये है व्यवस्था, खूब नमी है खेतों में। अब ये चलेगी, इसको दिखाऊंगा आपको। ग्रह में जे 605 है, और ऊपर उठा ले, और नहीं उठती ऊपर। बहुत भारी है मशीन, भारी बहुत है। सही है ये भैया, ये देखो ट्रैक्टर। ये देखो दोस्तों ट्रॉली, कितने फुट का है ये सरदार जी? 15x7 यही पंजाब से बनवाया है। ये देखो भैया यही पंजाब का ट्रोला है, पूरा पंजाब ही ले आया आप तो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है खेत पे आया हूँ कि पंजाब में आ गया मैं, ज्यादातर लोग तो ये समझेंगे कि मैं पंजाब में हूँ इस समय। तो सरदार जी आ जाओ, आपसे यह जानकारी ले लूँ। दोस्तों कोल्ड स्टोर मालिक भी हैं हमारे सरदार जी, और खेती बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, 100 एकड़ के आसपास आलू है, तो मेरे ख्याल से 70-80 एकड़ तो मेरे गाँव में होगा है, और बाकी इधर उधर मतलब 100 एकड़ के आसपास दोस्तों आलू करते हैं। उसी हिसाब से पूरी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। तो सरदार जी सत श्री अकाल जी, और कैसे हाल चाल है आपके? और दोस्तों इनका कोल्ड स्टोर का नाम क्या है आपके का? मेरा किसान एजेंट कोल्ड स्टोर। कितनी कैपेसिटी है कोल्ड की? मेरे यहाँ 1.5 लाख कट्टा। 1.5 लाख कट्टा दोस्तों, अब तक कितनी होगी निकासी सरदार जी? मेरे यहाँ लगभग 70% निकासी। 70%। और बीज अभी और निकलेगा, कितना निकल जाएगा? तो एक थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अभी निकल जाएगा अभी 5-10 हज़ार। तो कितने परसेंट हो जाएगी जैसे अक्टूबर के बीज निकलने के बाद, कितना आलू बचेगा कोल्ड में? लगभग आप ये मान लीजिए अगर आलू उसके बाद 25% करीब आलू है। 25% आलू, तो पूरे दिसंबर तक ही चलेगा स्टोर? तो तब तक रहेगा, तब तक तो चलता ही रहेगा है ना। तो अब वो तो जब तक आलू होता है तब तक तो कोल्ड स्टोर चलता ही रहता है, अब कोई ऐसा तो है नहीं है कि बंद कर दिया जाए। ज़्यादातर स्टोर मालिक ऐसे ही हैं टूंडला में जो चलाते हैं दिसंबर, चलाना भी चाहिए जब आलू है। तो सरदार जी अभी क्या रेट के सौदे हो रहे हैं अपने कोल्ड पे बढ़िया आलू के? VIP अगर आलू हो तो VIP आलू 1200 रुपये तक मित्र, 1200 रुपये तक, और वैसा हल्के आलू तो उसके 1000 रुपये, 1050 रुपये। अच्छा 1000-1050। गुल्ले वही 800-900 के आसपास होंगे, 900 बिक रहे हैं कि नहीं? 700 से 800 के बीच में ये है स्थिति इतना। अब टूंडला में पूरे की अगर बात करें तो कितना आलू बच रहा होगा लगभग आइडिया? इसी रेशियो में बचना चाहिए, 20-25% 20 से लेके 25% के बीच, 20 से 25% के बीच में। अच्छा अच्छा, तो ये ग्रेमे वाली जो आपने मशीन ली है ये कितने पैसे की आई है? ये 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपए की। तो इसका कुछ लाभ दिखाई दिया है कि नहीं?
बहुत अच्छा लाभ है इसका, एक तो जिग-जिग में आलू डाल रही है ये, और 30 इंची का बना रही है बेड, 30 इंची का बेड बनाती है ये। इसके लिए खुदाई की बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी? हाँ जी, खुदाई के लिए 30 इंची के लिए देख रहे हैं मशीन, इसकी भी चौड़ी वाली, चौड़ी वाली 60 इंची की मशीन है। और क्या बढ़िया है जुगाड़ को दिखा। अब तो ट्रैक्टर भी बढ़िया, महिंद्रा 605 बढ़िया काम कर रहा है। तो सरदार जी, अब 2025 के बारे में क्या पूछूं? तो आप तो 100 एकड़ तो खुद ही आप 500 बीघे कर रहे हो, तो आपको तो तेजी दिखेगी अगली साल। मैं तो ये कहता हूँ प्रभु, ये तो सब प्रभु हमारा था काम, हम लोगों का काम है, किसान का काम है मेहनत करना, सही है, और फल देना तो प्रभु का काम है, बिल्कुल सही। तो हम प्रभु के ऊपर डिपेंड है जी, और जब मेहनत करेंगे तो प्रभु हमारी जरूर सुनेगा, जरूर 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 सुनेंगे। और फिर आप, अब तक आपने कितना आलू बेच लिया? मैंने लगभग 90% आलू, 90% आलू बेच लिया, बढ़िया किया। बस समझदारी इसी में कि किसान को समय से आलू बेच लेना चाहिए अगर रेट बढ़िया मिल रहा है। आलू किसान की बस एक यही फॉल्ट रहता है मेरे हिसाब से जी, कि धीरे धीरे अपने जैसे आप बोलते हो हर वीडियो पे, मैंने आपको सुना है हर वीडियो पे कहते हैं, हर वीडियो पे आप बोलते हो कि धीरे धीरे आलू बेचते चलो, सही है। किसान को हर रेट पे आलू बेचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हर आलू 2000 नहीं बिकता, हर आलू 900 भी नहीं बेचना चाहिए, सही बात है। 900 से लेके जो रेट तेज मिलता जाए बढ़ता चले, जब रेट अगर सही है तो फिर इंतजार नहीं करे, फिर तो पैसा अपने मुट्ठी में करे। आलू में जब पैसा मिलता है तो आदमी को उस पैसे को कलेक्ट भी करना, कलेक्ट करना चाहिए। मैं उससे देखता हूँ आलू पैदा कर लेते हैं बेचारे, मेहनत कर लेते हैं और बेचने में रह जाते हैं, बेचने में रह जाते हैं, तो फिर वो बेकार ही है। सही बात है, सेल भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिल्कुल। और आप देखो खुद कोल्ड चला रहे हो, और आपने जब 90% रिस्क तो आप भी ले सकते थे, रिस्क लेने की क्षमता हुआ थे आप में, तो आपने जो 90% आलू बेच लो, तो ये समझदारी करी ना। हर चीज का अलग पार्ट है, कोल्ड का अलग पार्ट है और किसानी का अलग पार्ट है, सही बात हर है। पार्ट अगर आप किसान के इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आलू की खेती, अरे बहुत बड़ा, ठीक है, और किसान मेहनत पूरी करता है, इन्वेस्टमेंट पूरी करता है, उसके बाद उसको रिटर्न्स नहीं मिले तो आज गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपना आलू प्रॉपर इंटरवेल्स में बेचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, समय समय के अनुसार। आदमी यह सोचता है कि दुर्गा पूजा लगेगी तब पड़ेगा, वो आएगा, ये सब चीजें अब हर आदमी सोच के बैठा होता है। त्योहार पे पूरी साल 2024 में पैसे घटे ही हैं, बड़े नहीं है, चाहे कोई त्योहार हो, हर आदमी बैठा रहा ना। दीपावली पे भी यही स्थिति हो गई, हाँ, दीपावली पे भी है ना, कुछ मिला बढ़ के तो मिला नहीं, हाँ। जबकि दीपावली ही बहुत बड़ा त्योहार है, ये है स्थिति। तो और जब एकदम अभी मैंने एक चीज नोट करी है जी जी जी, अभी इस एक महीने में अक्टूबर में आप लोगों ने भी नोट करी जी, कुछ इस रेट को 50-60 रूपए माइनस करने में हम लोगों का भी हाथ है, किसानों का, किसानों का बिल्कुल। अब एक पहले 10 पानी की निकलती थी, अब 100 पानी की कोल्डो में निकल रही है, तो व्यापारी भी 50 रूपए वही टूट जाता है। ऐसा ना सरदार जी, समय जब कम बचता है, हाँ। आदमी घबरा जाता है, जो लोग उम्मीद करके बैठे थे वो समय के हिसाब से बैठे थे कि आलू 2000 बिकेगा गया 1500 बिकेगा, अब उम्मीद जो अब उम्मीद उनकी धुंधली हो रही है, अब नजदीक टाइम आ गया तो क्या करें, और जरूरत भी है पैसे की। आपकी जो बात है ना, प्रॉपर इंटरवेल्स में बेचना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम तो कह रहे हैं कि 10 महीने का समय है या 5 महीने का समय है, तो 5 महीने के समय में आलू अपना बेच ले, और ये समझो जब बीज निकासी के बाद तो फिर रिस्क ही रिस्क है, फिर तो सारा कुछ डिपेंड करता है नई फसलों पे और भैया स्टॉक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या, आलू का क्षेत्रफल हर जगह है, हर जगह बहुत हो गया, पता नहीं कहाँ उग जाए और कहाँ निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं पता चलता। तो सरदार जी और बताओ कोई नया ताजा समाचार? बस यही है, सबसे यही कामना, पहले तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामना सब किसान भाइयों को, और सबके लिए ये 2025 जो आने वाली है बहुत बढ़िया हो, बस मैं यही, बढ़िया ही होगी, बढ़िया ही होगी, और सब लोग फिर से फलीफूत जैसे इस बार हुए ऐसे और आगे फलीफूत। सही बात है, क्योंकि अगली साल अगर मिलने पे आदमी के कुछ, अभी तो आदमी के गड्ढे ही भरे हैं, अब थोड़ा ऊपर बोले। जो आप भी आलू कर रहे हैं, आपको भी पता है कितना बचता है, बताओ आप मुझे, कोई खास ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी शौक है थोड़ा सा, शौक नहीं, आप देखो आप लोग तो शौकीन वैसी खेती के मामले में बहुत होते हैं, तो हमने की चलो करें, अरे नहीं सही है, पैसा भी खूब मिल गया। चलो मैं मशीन देख लूं जरा, ये देखो भैया ग्रेमे वाली मशीन हमारे क्षेत्र में चल रही है, पानी पी रहे हैं, कोई बात नहीं है, मशीन तो खूब चलते हुए मैंने दिखाई है। ये है भैया मेरी, 10 कट्टा आ जाते होंगे, जामे चलाओगे अब क्या? आलू खत्म, कोई बात नहीं, अभी तो है। सरदार जी पीओपी मरवा दिया, पीओपी बहुत बढ़िया, ये देखो कटे आलू पे पीओपी सड़ता नहीं है, ये आलू कटा हुआ बटा सब चलता खूब बढ़िया, छोड़ती तो नहीं है, नेक चलाइयो नेक थोड़ा सा नेक, तो वहां तक चला दे बस। ये देखो अब ये चल रहा है, ट्रैक्टर तो मुझे जो लगा है मतलब फुल गुंजाइश पर रोटावेटर छोड़ रखा है, उछल रहा है एकदम रोटावेटर। ये देखो दीदी दोस्तों, ये है भैया मेरे महिंद्रा 605, खूब ट्रैक्टर मैंने देख लिया चलाते हुए ग्रेमे की मशीन, पर जो ये ट्रैक्टर चला रहा है मुझे सबसे बढ़िया लगा है।
के चिमनी उठा दी। एक सारा कटा हुआ आलू आ रहा है बढ़िया धूल। ये देखो बैठ, ये नीचे तब ठीक है ठीक है ठीक है। बीज खत्म हो गया ना, लौट के नहीं आ पाएगा चक्कर। ये है दोस्तों स्थिति, ये है देखो सरदार जी से मैंने बात की, बढ़िया चल रहा है। जो है भैया मेरे छे देखो रोटावेटर कैसे उछाल रहा है। ये है भैया देखो कितना गया, ये ना मालूम पर रहो वो नहीं बिल्कुल एक कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रोटावेटर चला रहा है। इसके लिए 15 फुट का कहता हूँ सरदार जी से। दोस्तों एक इन पर 245 हो रहे, वो बीज लेके आ रहा है, देखो वो दिख जाएगा आपको। ये देखो पूरी व्यवस्था है। धन्यवाद, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना।